إن الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي रबी ज़िदनी रबी ज़िदनी महतरम सामयन हाजरेन जमा दीनी भाइ बुज़र्गोंमर नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों मिलत इस्लामिया की माओ और बहनों खतब मसनूना के बाद मैंने अब हज़रा के सामने सूरतुल्बरा की एक आयत और उसके बाद सही बुखारी और सही मुस्लिम के एक हदीस का टुकड़ा पढ़ा हम और आप जिन अय्याम में सांस ले रहे हैं ये माहबा का आखिरी अय्याम है और कुछ ही दिनों के अंदर हमारे ऊपर रमज़ान का महीना साया फगन होने वाला है रमज़ान की आमद आमद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को रमज़ान की खुशखबरी इस तरह से दिया करते थे अता कुम रमज़ान ए मेरे सहाबा रमज़ान आने वाला है शहरुम मुबारक -um जो बड़ा ही बाबरकत महीना है रमज़ान का महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है रहमत का महीना है मगफरत का महीना है और क़ुरान करीम का महीना है अल्लाह के नबी सल व्लम अपने सहाबा को रमज़ान की खुशखबरी दिया करते थे हमें और आपको भी चाहिए कि रमज़ान का महीना करीब है उसके लिए क्या हमने तैयारी की है या नहीं की है उसका इस्तकबाल हम किस अंदाज़ में करते हैं हमारे यहाँ रमज़ान के महीने को लेकर दो तरह के लोग पाए जाते हैं ये मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ अहले ईमान की बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं एक इस महीने की आमद पर बड़ा खुश होते हैं बड़ी खुशी उनको होती है मुसरत और सादमानी के साथ उसका वेलकम करते हैं उसका इस्तबाल करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इस महीने को हमें नसीब फरमा इसलिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं है कि कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम प्यारे हो जाएं अभी दो चार दिन रमज़ान को बाकी है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि हमें रमज़ान मिलेगा ही मिलेगा हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान जैसा महीना नसीब फरमाए दूसरे तरह के लोग जो रमज़ान का महीना जैसे जैसे करीब हो रहा है बड़े परेशान हो रहे हैं दिन भर रोज़ा रखना होगा काम पर कैसे जाएंगे, फिर रफ्तारी का इंतज़ाम करना होगा बड़ा ख़र्च है अलग अलग तरीके से उनके जहनों में बात आती है कि रमज़ान का महीना तो बड़ा दुशवार कन मसला है बड़ा दुशवार है रमज़ान का महीना और वो आज ही से रमज़ान के रोज़े को लेकर बड़े परेशान होते हैं मेरे भाई और दोस्तों रमज़ान का महीना ये माफी तलाफ़ी का महीना है ये माहे गुफरान है और हमें खुश होना चाहिए और पुरजोश अंदाज़ में उसका इस्तकबाल करना चाहिए इसलिए जिस तरीक़े से एक ताजिर होता है एक बिज़नेस मैन होता है वो इंतज़ार करता है ऐसे अवकात का ऐसे लम्हात का कि कब ऐसा वक्त आए कि मेरी तिजारत मेरा कारोबार बढ़ जाए उसमें तरक्की हो ऐसे ही एक मोमिन ऐसे अयाम का इंतज़ार करता है कि जिसमें वो अल्लाह आलमीन की इबादत में अपने आप को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें आइए देखते हैं कि रमज़ान की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए रमज़ान से पहले हमें रमज़ान की तैयारी किस अंदाज़ में करनी चाहिए साहब कराम रमज़ान की तैयारी कैसे क्या करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहते हैं अता रमज़ान अरे मेरे सहाबा रमज़ान का महीना आ चुका है शहरुम मुबारक जो बड़ा ही बाबरकत महीना है जो बड़ा ही मुबारक महीना है हमें रमज़ान से पहले पहले तोबा करनी चाहिए तोबा करनी चाहिए हमने ग्यारह महीना गुनाहों में गुजारा अल्लाह को नाराज़ किया या बहुत सारे लोगों ने अल्लाह को राज़ी भी किया है और अमाल के अतबार से हमारे माशरे में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं एक होते हैं बाआमल जो अलहमदिल्ला रोज़ाना पाँच वक्त की नमाज़ अदा करते हैं सदक़ा व खैरत क्या करते हैं गाहे बगाहे लोगों की मदद भी क्या करते हैं उनका सिलसिला चलता रहता है ये बामल लोग हैं और दूसरे हैं बेअमल बेअमल वो हैं जिनको नमाज रोज़े से कोई वास्ता नहीं जिनको लोगों की मदद करने से कोई वास्ता नहीं हम खुश हमारे बच्चे खुश हम खा रहे हैं अच्छी बात है हम पहन रहे हैं अच्छा हम हमको लोगों से मतलब नहीं है ये बेअमल हैं ना तो नमाज से मतलब है ना तो रोज़े से मतलब है ना तो सदका खैरात से मतलब है और एक तरह के लोग होते हैं जो बदअमल होते हैं जो बदअमल यानी वो अमल तो करते हैं लेकिन गुनाहों का काम करते हैं अमल तो करते हैं लेकिन फिसको फजूर का काम करते हैं नेकी का काम नहीं करते किसी को मार दिया किसी को तकलीफ दी किसी की गिबत की किसी की चुगलखोरी की किसी की जोई की इस अंदाज में वो अपने साल के बारह महीने तीन सौ पैंसठ दिनों को गुजार देते हैं तो कहा अमाल के अतबार से तीन तरह के लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं एक हैं बामल एक हैं बेअमल और तीसरा है बदअमल जो अल्हम्दुलिल्लाह बाअमल हैं जिनका सिलसिला चलते आ रहा है नमाज़ों की पाबंदी है सदका खैरात का अहमाम है, है नवाफिल का अहमाम है, है जब इस महीने को पाते हैं तो उनके अमल में और इजाफ़ा हो जाता है उनके अमल में उनके अमाल साल में और बढ़ोतरी हो जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाम तिरमिज़ी की रवायत है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान का महीना जैसे शुरू होता है एक आवाज़ लगाने वाला एक मुनादी एक निदा देने वाला आवाज़ लगाता है या बाैर अकबिल ऐ खैर के मुतलाशी, ऐ खैर के चाहने वाले नेकी के अकबिल और आगे बढ़ आगे बढ़ जा बढ़ चढ़ कर इबादत करो बढ़ चढ़ कर साल करो ये फ़रिश्ता निदा लगाता है और फिर एक फरिश्ता कहता है या बार या बाग़ शर अकसर बुराई के मतलाशी ऐ बुराई पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले है अयुशो फजूर का अहतमाम करने वाले रुक जा रुक जा और अपने आप को अल्लाह की रजामंदी और नेक और साल आमाल में लगा दे ये रोज आना का मामूल है कि एक फरिश्ता निदा लगाता है खैर का जो काम करते हैं उनसे कहता है कि और आगे बढ़ो और बढ़ चढ़ करने की करो और जो शर का काम करते हैं फरिश्ता कहता है रुक जाओ वहीं पर रुक जाओ तो रमज़ान की तैयारी हमें इस अंदाज़ में करनी चाहिए कि हमें अल्लाह से तौबा करना चाहिए तौबा अल्लाह ने क़ुरान करीम के अंदर फरमाया सूरह तो तहरीम के अंदर या तौबतन आमनुब नसूा क्या ईमान वालो तौबा करो और तौबतन नसुहा करो तौबतन नसूहा यानी सच्ची तौबा करो तौबा तो हमारे यहाँ लोग करते हैं मांगते हैं अल्लाह से अल्लाह मुझसे गलती हो गई है लेकिन सच्ची तौबा नहीं होती तौबतन नसूहा मुफसरिन कराम ने लिखा है कि अगर हकूकल्ला में गलती हुआ है अल्लाह के हक की नाफरमानी हुई है तो तीन किस्में उसकी हैं यानी तीन तरीक़े से आदमी अगर तीन अमल करता है तो तौबतन नसूहा में शुमार होता है एक है आदमी अल्लाह से माफ़ी मांगे गलती हो गई है माफ़ी तलाफी करें अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने 11 महीना गुनाहों में गुजारा है अल्लाह रमज़ान का महीना आने वाला है अल्लाह मुझको माफ़ कर दे पहली चीज़ अल्लाह से ग़लती पर माफ़ी मांगना दूसरा है कि उस ग़लती पर नादिम और शर्मिंदा होना कि अल्लाह मुझसे ग़लती हो गई है मुझसे ग़लती हो गई है Allah, मैं अपनी ग़लती पर नादिम हूँ शर्मिंदा हूँ मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ तीसरा ये है कि वो आदमी इस बात का अज़म करें कि मुस्तक़बिल में उससे वो गुनाह नहीं होंगे उससे वो गुनाह नहीं होंगे तब ये तौबतन नसूहा होगा ये तौबतन नसूहा होगा सच्ची तौबा जिसको कहा जाता है अल्लाह ने कहा आमनु तो बोल्ला ही तोबत नसूा ए ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तोबा करो और तोबा नसुहा होनी चाहिए सच्ची तोबा होनी चाहिए और सच्ची तोबा के लिए हमारे अंदर तीन चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगें और साथ ही साथ उस गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा हों और साथ ही साथ आगे ना करने का आज़म करें अगर हुकूकुल इबाद में गलती हुई है हुकूकुल इबाद में कोताही हुई है तो हुकूकुल इबाद के लिए इन तीनों शरायत का होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ एक शर्त और होनी चाहिए कि अगर किसी के साथ आपने नाइंसाफी की है किसी को आपने बुरा भला कहा है किसी की माल चोरी से ले ली है किसी की गीबत की है अगर वो आदमी ज़िंदा है दुनिया में मौजूद है तो उससे माफी तलाफी कर लें इसलिए कि अल्लाह के बारगाह में नादिम और शर्मिंदा होने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आदमी दुनिया में अपने भाई से माफ़ी तलाफ़ी कर ले तौबा कर ले कि भाई मुझसे गलती हो गई मुझसे ये काम हो गया है मुझसे ये अमल शरद हो गया है अरे भाई मुझको माफ़ कर दे ये तौबतन नसूहा है तो रमज़ान से पहले पहले हमें चाहिए कि हम तौबतन नसूहा करें अल्लाह इसके बारगाह में रोएं गिड़गिड़ाएँ और अगर हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं और हम अल्लाह से तौबा भी नहीं करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में सौ मरतवा इस्फ़ार क्या करते थे माफ़ी मांगा करते थे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रवायत अम्मा है अम्माए रज़ी अल्लाह कहती हैं अल्लाह के नबी वसल्लम आप तो माफो ख़ता हैं आपके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं आपके अगले पिछले तमाम गुना माफ़ हैं अल्लाह के नबी सल्लम आप इतनी लंबी लंबी क्याम क्या करते हैं आप इतनी लंबी लंबी नमाज़ पढ़ते हैं कि आपके पाँव में वरम आ जाता है पाँव मुबारक सूझ जाता है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम आप इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ते हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के जुमले पर गौर कीजिए अल्लाह के नबी ने कहा आयशा, अफला बंदा बन जाऊं क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा, बन बंदा बनूँ बनू? कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनू इस बात पर अल्लाह रबाली ने मेरे अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है तमाम गुना है फिर भी शुक्रगुजारी का यह आलम इतनी लंबी लंबी क्याम कि पावे मुबारक सूज जाते हैं हमारे यहां रमजान का महीना जब दाखिल होता है हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं तरावी में दिल नहीं लगता तहजुद में दिल नहीं लगता नमाजों में दिल नहीं लगता कुरान करीम पढ़ने में दिल नहीं लगता थोड़ा सा पढ़ता हूँ नींद आने लगता है थोड़ा सा क्यामल जैसे एक रकात दो रकत होती है, जी उगताने लगता है हसन बसरी से किसी ने सवाल किया था हसन बसरी से किसी ने कहा था हसन बशरी रहा से पूछा कि लैल में दिल नहीं लगता लैल में दिल नहीं लगता हसन बसरी ने कहा कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें रोक रखा है तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें रोक रखा है जो अल्लाह की इबादत करने में जो तुम्हें लुत्फ़ नहीं आ रहा है उसमें तुम्हें चाशनी नहीं मिल रही है अल्लाह आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करो इसलिए कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारी नेकियों से तुमको रोक रखा है तो पहली तैयारी हमारी ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह से तोबा इस्तगफार करें माफ़ी तलाफ़ी करें अल्लाह से तोबा करें रोएं गिड़गिड़ाएँ इसलिए कि ये रमज़ान का महीना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आखिरी महीना हो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आखिरी रमज़ान हो कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद हमको रमज़ान का महीना नसीब ना हो अगर इस अंदाज में रमज़ान का महीना गुजारेंगे कि हमारा आखिरी रमज़ान है तो फिर उसमें लुत्फ़ आएगा इबादत में मज़ा आएगा और इस तरीके से अगर आप नमाज पढ़ेंगे कि गोया कि अभी आपने जुमा की नमाज़ पढ़ी असर की नमाज़ मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है असर की नमाज पढ़ने की तोफ़ी मिले ना मिले किसी को पता नहीं है अगर इस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारेंगे इस अंदाज़ में इबादतें करेंगे तो हमें इबादतों में लुत्फ़ मिलेगा इबादतों में चाशनी पैदा होगी इबादतों में हमारी मिठास पैदा होगा और हमारे हमें अपनी इबादतों में दिल लगेगा हमें अपनी इबादतों के लिए मेरे भाई और दोस्तों पहली बात यह है कि हमें तौबा करनी चाहिए दूसरी चीज़ जो रमज़ान की तैयारी में है वो ये कि हमें अपने दिलों को पाक साफ करना चाहिए अपने दिलों को अपने भाई के लिए पाक साफ कर लेना चाहिए हमारे माशरे में क्या होता है सगा भाई भाई का दुश्मन है और इस क़दर दुश्मनी बढ़ी हुई है कि अगर नमाज में पहली सफ़ में दोनों हाजिर हो जाएँ दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं तो साथ में खड़ा होना गवारा नहीं करते इस कदर नफाक हमारे दिलों में पैदा हो गया है इस कदर हसद हमारे दिलों के अंदर आ गया है रमज़ान से पहले पहले हमें चाहिए कि अपने दिलों को पाक साफ कर लें नफाक से कीना कपट से हसद से बगज़ अदावत से अपने दिलों को पाक कर लें अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया

हफ्ते में दो दिन बंदों के नाम आमाल अल्लाह के बारगाह में पेश किए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं फयुग फर अल्लाह आलमीन तमाम लोगों को माफ़ कर देता है फ़युग फर लिकली अल्लाह आलमीन हर एक को माफ़ कर देता है सिवाय दो लोगों को सिवाय दो लोगों के दो लोगों की माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती है एक है ला लक बिल्लाह अगर किसी ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया होगा तो उसकी माफ़ी नहीं है माफी उसी की है ला यु शर्क बिल्लाशैया जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता हो दूसरा वो बंदा जो अपने भाई के खिलाफ जिसके दिल में बोग्ज हो शाहिन जिसके अंदर हदीस के अल्फाज हैं कि उसके अंदर दिल में शाहिन पैदा हो अपने भाई के खिलाफ कीना हो कपट हो बग्ज अदावत हो तो ऐसे शख्स की भी माफ़ी नहीं होती है फयुकॉल अल्लाह के नबी फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल रब्लम कहता है कि मोहलत दे दो उसे मोहलत दे दो हती यस्तलिहा यहाँ तक कि दोनों आपस में सुलह कर लें दोनों आपस में बातचीत कर लें दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ अपने दिलों के अंदर जो बग्ज व अदावत है उसको साफ़ कर लें जो कीना कपट उसको साफ कर लें यही मामला जब लोग जन्नत में जाएंगे जिस तरीके से दुनिया के अंदर एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिलों में कीना होता है बग्ज अदावत हसद होता है जन्नत में जब देखेंगे कि हमारा दुश्मन जन्नत में जा रहा है कहेंगे अल्लाह फला तो मेरा दुश्मन है फला तो मेरा दुश्मन है अल्लाह उसको जन्नत में पहले भेज रहा है अल्लाह आलमीन कहेगा इस बंदे को जन्नत से निकालो व नज़ाअना माफ़ी सदूर मिन गिल अल्लाह ताला कह रहा है कि हम उसको पहले उसके दिलों को पाक साफ करेंगे कीना से कपट से बोग से हसद से एक जन्नती के दिल को पहले पाक साफ किया जाएगा व नज़ाअना माफी सुधूर मिन गिल कि हम पहले उसके दिल को पाक साफ करेंगे कीना कपट हसद बुग्ज अदावत से उसके बाद उसको जन्नत में दाखिल करेंगे तो जन्नत में दाखिले के लिए अपने दिलों से बुग्ज़ व हसद को निकालना होगा अपने भाई के खिलाफ अपने दिल को साफ करना होगा एक एक सहाबी हैं हयते साद अबी वक्कास हयते साद बिन अभी वक्कास रजी अल्लाह तहुम सही मुस्लिम की रिवायत है एक मरत के नबी अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए सहाबे कराम अल्लाह के नबीसम के पास बैठे हुए हैं अल्लाह के अलैहि वसम् ने कहा अरे मेरे साहबा क्या तुम जन्नती आदमी को देखना चाहते हो सहबा ने अर्ज़ किया हाँ अल्लाह के रसूल अलैहि व्ल् अल्लाह के नबी वसम ने कहा कि देखो अभी एक शख्स नमोदार होगा एक शख्स आएगा वो जन्नती है एक दिन हो गया दूसरे दिन फिर कहा अरे मेरे साहबा क्या तुम जन्नती शख्स को देखना चाहते हो फिर वही साहबी वज़ू करके वज़ू खाने से आ रहे हैं और वज़ू का पानी टपक रहा है और मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं तीसरे दिन फिर यही मामूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर साहबा से पूछा क्या तुम जन्नती शख्स को देखना चाहते हो हैत सात बिन रबी वक् रज़ी अल्लाह तुम वजू करके वजू खाने से आ रहे हैं और वज़ू का पानी उनके हाथों से टपक रहा है उनके जिसम मुबारक से टपक रहा है और वो साहब कराम पर नमदार होते हैं हेतः है अमर बिन आस रजी अल्लाह तनों को ये बात बड़ी खटकती है कि आखिर क्या माजरा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुनिया में ही जन्नती कहा कि जन्नती शख्स हैं क्या अमल ऐसा है कौन सा ऐसा काम करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तीन मरतबा जन्नती कहा यह तड़प थी सहाबा के अंदर ये लगन था ये तड़प थी ये उमंग थी कि क्या अमल करते हैं कौन सा अमल करते हैं वो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती शख्स में शुमार किया है तो अमर बिन आस रजी अल्लाह तुम रज़ी अल्लाह तआला के पीछे लग जाते हैं उनके घर जाते हैं उनसे कहते हैं कि मेरे वालिद से थोड़ी सी अनबन हो गई है थोड़ा सा मेरे वालिस साहब नाराज़ हो गए हैं क्या मैं आपके घर तीन दिन कयाम कर सकता हूँ उन्होंने झूठ बोला कि क्या मैं आपके घर तीन दिन क्याम कर सकता हूँ और उनका उनके वालद से अनबन नहीं हुआ था कोई झगड़ा नहीं था कोई अनबन नहीं था खाली ये तड़प थी कि कौन सा ऐसा अमल ये करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुनिया में जन्नती कहा है हज़े अमर बिन आस रजी अल्लाह तु हयते साद बिनबी व से पूछते हैं इजाज़त मिल जाती है रात होती है हय त बिन बिनि वा रजी अल्लाह तु सोए हुए अपने बिस्तर पर हयत अमर बिन आस रजी अल्लाह तु भी साथ में लेटे हुए हैं लेकिन तड़प ये थी कि नींद कहाँ आए तड़प का आलम यह था कि नींद कहाँ आए देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हैद साद वक्स रजी अल्लाह जब दाएँ करवट जाते तो कभी कहते अलहमदिल्ला कभी सुबहान अल्लाह कहते कभी बाएं करवट होते तो अल्लाह अकबर कहते इस तरीके से रात गुजरी और ये मामूल तो अक्सर मुसलमानों का है अक्सर मोमिनों का है कि रात में जब करवट बदलते हैं तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह अकबर अलहमदिल्ला कहते हैं हैत साद बिन बिवक्सर रजी अल्लाह तन के घर हैत अमर बिन आस तीन दिन थे देखा कि कोई ऐसा अमल नहीं, नहीं नज़र आया कि जिससे ये पता चले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती होने की बशारत दी है जब तीन दिन गुज़र जाता है फैत सात से कहते हैं अरे मेरे भाई मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरे वालिद मुझसे नाराज़ हैं ऐसा कोई मामला नहीं है सिर्फ़ मामला ये है कि मैं देखना चाहता था कि तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि जिस अमल की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको जन्नती होने की बशारत दी है फैति बिन बिनु रजी अल्लाह तन कहते हैं अरे मेरे भाई मैं कोई ऐसा अमल नहीं करता हूँ कोई ऐसा मेरा अमल नहीं है उसके बाद कहते हैं हाँ एक अमल मैं ज़रूर करता हूँ कि जब मैं रात को सोता हूँ तो अपने सीने को अपने दिल को अपने तमाम मुसलमानों के बोगज हसद कीना कपट उससे पाक साफ करके सोता हूँ अपने दिल को मैं पाक साफ कर लेता हूँ मेरे दिल में किसी भाई के तई कोई बोगज हसद कीना कपट ये तमाम चीज़ नहीं पाई जाती मैं अपने दिल को साफ़ करके सोता हूँ हात अमर बिन आश ने कहा यही वो अमल है यही वो नेकी है यही वो काम है जिसके करने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने आपको जन्नती शख्स में जन्नती लोगों में शुमार किया है ये सही मुस्लिम की रवायत है तो कहने का मकसद ये है कि अपने दिल को साफ करें अपने भाई के खिलाफ अपने दिल को पाक साफ करें हमारा मामला क्या है सगे माँ के पेट से दो भाई थोड़ी, दो थोड़ी सी अनबन क्या हो जाती है।, है थोड़ी सी बात में क्या लचक आ जाती है थोड़ी सी बात ऐसी हो जाती है जो भाई को चुभ जाती है और फिर पूरी जिंदगी तक पूरी जिंदगी एक भाई दूसरे भाई का चेहरा देखना गवारा नहीं करता मुलाकात कहाँ होती है इंतकाल पर मुलाकात होती है मुलाकात कहाँ होती है कब्रस्तान पर मुलाकात होती है मेरे भाई और दोस्तों अपने भाई के लिए अपने दिल को साफ करो और अपने दिल को साफ करना यह जन्नती होने की अलामत है ऐसे लोगों का शुमार जन्नतियों में होगा तीसरी तैयारी हमारी होनी चाहिए रमजान से पहले पहले जिस तरीके से हम अपने घरों में खाने पीने का इंतजाम करते हैं हर चीज का हम इंतजाम करते हैं कहाँ से क्या लेना है कहाँ से क्या खरीदना है किससे कौन सी चीज़ खरीदनी है किसको क्या देना है मेरे भाई और दोस्तों अपने मुआरे में देखो अपने पास पड़ोस में देखो कहीं ऐसा तो नहीं कोई गरीब है कोई मस्किन है कोई यतीम है कोई बेवा है जिसके सर से उसके बाप का साया उठ गया हो ऐसे लोगों के घरों को तलाश करो दो रोटी कम खाओ दो लुकमे कम खाओ लेकिन यतीमों गरीबों मिसकिनों ऐसे घरों को भी तलाश करो और उन तक हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से हम रोज़ा रखते हैं और अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं ऐसे हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक भी राशन पहुंचाएं, उन तक भी हम उनके खाने पीने के इंतज़ाम करें ताकि वो भी हमारे साथ रोज़े के महीने में ख़ुशी खुशी हमारे साथ शरीक हों हमारे यहाँ क्या होता है लोग अमल कम होता है दिखावा ज़्यादा होता है रमज़ान से पहले हमें एक चीज़ ये भी करनी होगी कि हम अपने अमलों को रिया से पाक कर लें अपने अमलों को में इखलास पैदा करें अमल कोई भी हो अल्लाह के लिए हो अमल कोई भी हो छोटा हो या बड़ा हो अल्लाह की रज़ा मतलू हो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना मतलूब हो यहाँ तक कि अगर आप सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है हदीसी खुदी है कि अगर बंदा अल्लाह के रास्ते में खजूर का टुकड़ा भी खर्च करता है खजूर का टुकड़ा भी अल्लाह के रास्ते में देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमी उसकी परवरिश करता है उसको अल्ला रब्लम अपने दाहिने हाथ में लेता है और उसकी परवरिश करता है उसको पालता पोसता है अल्लाह के नबी ने मिसाल दी कहा जिस तरीके से एक आदमी अपने घोड़े के बच्चे को पालता है उसकी परवरिश करता उसको बड़ा करता है ऐसे अल्लाह रबालमी सदक़े के टुकड़े को बड़ा करता है यहाँ तक कि वो सदक़े का टुकड़ा उहद पहाड़ के बराबर हो जाता है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर एक शर्त लगा दी कहा वो सदक़े का टुकड़ा वो खजूर का टुकड़ा जो आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है वो हलाल कमाई का हो हलाल कमाई का हो हराम कमाई का ना हो हलाल कमाई का होगा खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने दाहिने हाथ में लेता है और जब आप इस दुनिया से रुखसत होंगे तो उस टुकड़े को आप खुद पहाड़ के बराबर देखेंगे अल्लाह से बंदा पूछेगा अरे अल्लाह मैंने तो बहुत थोड़ा खर्च किया था तेरे रास्ते में अल्लाह तला कहेगा कि क्या तुमने मेरे रास्ते में हलाल कमाई का एक टुकड़ा खर्च किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तुमको यह हदीस नहीं सुनाई थी क्या हदीस तुम तक यही नहीं पहुँची थी कि अल्लाह रब्बुल रबूम उस टुकड़े को अपने दाहिने हाथ में लेता है और फिर उसकी परवरिश करता है यहाँ तक कि वह उहद पहाड़ के बराबर हो जाता है तो अमलों के अंदर अखलास पैदा करें कोई भी अमल करें अल्लाह के लिए करें हमारा रोज़ा अल्लाह के लिए होना चाहिए हमारा क़्याम अल्लाह के लिए होना चाहिए हमारा सदका खैरा लिए होना चाहिए हमारा एक दूसरे का मदद करना एक दूसरे करना अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए अगर रिया आ गया दिखलावा तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह कहेगा जिसको दिखाने के लिए तुमने अमल किया था जाओ उससे ले लो। बिन जबल रजी अल्लाह तुम ये अल्लाह के नबी वो सहाबी हैं जिनसे अल्लाह के नबी इन्नी बुख मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ हित मुआज बिन जबल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था है मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ एक मरतबा मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं दीवार से टेक लगा कर बैठे हैं और अपने सर को अपने घुटने पर रख कर रो रहे हैं अपने सर को अपने घुटने पर रख कर रो रहे हैं आँखों से आंसू जारी है रोए जा रहे हैं इतने में महत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं देखते हैं कि हजत माज़ बिन जबल वो सहाबी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था आये मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला तन हज मुआज बिन जबल के पास आते हैं कहते हैं मेरे दोस्त अय मेरे साथी क्या मामला है कौन सी तकलीफ़ आ गई है कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है कि तुम रोए जा रहे हो हैत जबल ने कहा था अय उमर खत्ताब अय मेरे दोस्त कोई तकलीफ़ नहीं है कोई मुसीबत नहीं है कोई परेशानी नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई और वही सोच कर रोने लगा हदीस क्या है कि एक वक्त आएगा कि लोगों के अमलों में रिया दाखिल हो जाएगा लोगों के अमलों में रिया दाखिल हो जाएगा दिखावा दाखिल हो जाएगा आदमी खर्च कम करेगा दिखावा ज़्यादा होगा और फिर एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं साहब कराम का मजमा है साहब कराम आपस में मुदाकरा कर रहे हैं और उनका मुदाकरा मसीह दज्जाल के बारे में था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है मेरे सहबा किस पर गुफ्तगू हो रही है किस बात पर चर्चा हो रहा है किस बात पर मुजा हो रहा है साहब कराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दज्जाल के फ़ितने के बारे में बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था क्या मैं तुम्हें उससे बड़ा एक फितना ना बताऊं और दज्जाल का फितना तो बड़ा है ही इसलिए कि दज्जाल के फ़ितने से हर नबी ने अपने उम्मती को डराया है हर नबी ने अपने उम्मती को आगाह किया है और दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि हम नमाज में दज्जाल के फ़ितने से पनाह भी मांगते हैं अल्लामैन और दूबी का मिनफ़ित नतिलमसी दजजाल हम दज्जाल के फ़ितने से हर नमाज में पनाह मांगते हैं दज्जाल का फितना तो है ही लेकिन उससे भी बड़ा एक फितना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा इब्न माजा की रिवायत है कि क्या मैं तुम्हें इससे बड़े फ़ितने के बारे में ना बता दूँ साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्ला वल्लम ज़रूर बतलाइए अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने कहा कि ये शिरक है शिरक और कौन सा शिरक शिरक असगर यानी ये रिया है रिया अगर, अगर अमल के अंदर आ गया तो हमारे अमल बर्बाद हो जाएंगे हमारे माशरे में आप एक जायज़ा लें एक नज़र दौड़ाएँ हमारे यहाँ जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे यहाँ लोग कैमरा निकाल कर फ़ोटो खींचेंगे इश्तारत में उसको डालेंगे और ना जाने कहाँ कहाँ भेजते हैं मेरे भाई और दोस्तों जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसको आप रसुआ कर रहे हैं उसको आप जलील कर रहे हैं उसकी फ़ोटो कई कई अखबार में यहाँ से वहाँ जाते हैं और बेचारा जलील ऐसा लगता है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई और हम और आप आए दिन देखते रहते हैं कोई किसी को कंबल तकसीम कर रहा है तो फ़ोटो डाल रहा है कोई किसी को राशन दे रहा है तो फ़ोटो डाल रहा है जो कोई किसी की मदद कर रहा है तो फ़ोटो खींच रहा है इस कैमरे ने हमें रेया और नमूद में बिल्कुल गर्ग कर दिया है डुबा दिया है आदमी हर जगह यहाँ तक कि उम्र और हज के अंदर भी लोग अपने सेल्फ़ी ले रहे हैं फ़ोटो खींच रहे हैं और उसको फेसबुक और व्हाट्सअप वगैरह पर डाल रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों हमारी नीयत क्या होनी चाहिए हमारा अमल किसके लिए होना चाहिए हमारा अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए अल्लाह को ख़ुश करने के लिए होना चाहिए कितने ऐसे लोग हैं जो ख़र्च करते हैं और कहते भी हैं कि मेरा नाम फंड पर नहीं आना चाहिए मेरा नाम लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं क्या ख़र्च कर रहा हूँ किसको दे रहा हूँ और कहाँ दे रहा हूँ और किस तक मेरा पहुँच रहा है खाली वो इस बात पर मुतमिन है कि मैं ख़र्च कर रहा हूँ लोगों की मदद हो रही है मेरा नाम होना हो अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए अल्लाह मुझसे खुश हो जाए ये कोशिश हमारे भी होनी चाहिए यही तलब हमारी भी होनी चाहिए यही फिक्र हमारी भी होनी चाहिए कि अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें रमजान का महीना आ रहा है, करें, 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 ख़ूब ख़ूब खर्च खर्च लेकिन किसी को जलील करके किसी पर एहसान जतला के ना करें अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा गौलम मरूफ वौलम मरूफ भली बात कह देना कोई तो आपके आपसे कुछ कहे भाई ज़रूरत है फला बीमार है राशन नहीं घर में कहा ग़लुम आरूफ भली बात कहो कुछ ना दे सकते हो भाई माफ़ कर दो ग़लुम आरूफ भली बात कहो बुरा भला ना कहो हमारे यहाँ क्या होता है आपका काम ही मांगना है आप तो ऐसे हैं और वाकई में अगर वो मुस्तक है वाकई में अगर मुस्तक है और उसकी ज़ुबान से आपके लिए बदुआ निकल गया तो क्या होगा वो आप ना दे सके कुरान कहता है गौलो मरूफ आप भली बात कहें उससे वह मगफ़िरतन और माफ़ कर दे मगफ़िरतन माफ़ कर दे भाई माफ़ करो आगे जाओ कहते हैं ना माफ़ करिए आगे जाइए वह व मग़फ़िरतुन खैरुमिनदकती आजा ये सोतुलबकर की आयत है खैरुमिन सदा उस सदक़े से कहीं ज़्यादा बेहतर है यत बऊहा जो देने के बाद तकलीफ़ दी जाएगा जो देने के बाद तकलीफ़ पहुंचाई जाए भली बात कह देना माफ़ी तलाफी कर लेना मिन सदकती उस सदके से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आदमी देने के बाद तकलीफ़ पहुंचाए ये जो सेल्फ़ी है कैमरे में फ़ोटो खींचना फिर उसको डालना इश्तहार में फेसबुक पर व्हाट्सअप पर अखबार के अंदर और फिर लोगों को जलील करना इससे बेहतर है कि हम ना दें और लोगों को जलील ना करें और अपने अमलों के अंदर अपने अमलों के अंदर इखलास पैदा करें इखलास पैदा करें आप कोई भी अमल करें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह राज़ी हो लोग ना खुश हो जाए चलेगा लोग नाराज़ हो जाएं चलेगा लेकिन अल्लाह राज़ी हो और अपने अमलों को रिया से पाक करें ऐसे खर्च करें कि आपके दरमियान और जिसको आप दे रहे हैं उसके दरमियान सिर्फ़ अल्लाह हायल हो अल्लाह जानता हो कि बंदा क्या दे रहा है और बंदे की कैसी मदद हो रही है हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भाई अगर दिखाएंगे नहीं बताएंगे नहीं तो लोग ताउन नहीं करेंगे लोग हेल्प नहीं करेंगे मेरे भाई और दोस्तों किसी को जलील करके किसी को नीचा दिखा के आप लोगों से ताउन लेंगे और फिर उसको बाटेंगे ये कहाँ की अक्लमंदी है अल्लाह ने कहा कौलु मारूफ व मग़फ़ीरतन ख़ैरुमिनदक़त यत बउहा भली बात कहना माफ़ी तलाफी कर लेना ये उस सदक़े से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आदमी देने के बाद तकलीफ़ दे व्ला गनीम अल्लाह रबुलामिन मालदार है और बुरदबार है अल्लाह मालदार है देने वाला अल्लाह है लोगों को खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है ये तो हम एक जरिया हैं कि अल्लाह ताला हमसे अपना काम ले रहा है हमको तीस ने जरिया बनाया है कि हमारे ज़रिए से खैर का काम हो रहा है मेरे भाई और दोस्तों बातें बहुत सारी हैं कहने को बहुत सारी बातें हैं रमजान से पहले हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ये रमजान का महीना इसकी मगफिरत इसकी बरकत और इसमें जो अल्लाह ने इनाम रखा है इन तमाम फ्यूज़ को हम कैसे हासिल करेंगे ये तड़प होनी चाहिए ये लगन होनी चाहिए और अल्लाह से तौफीक भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह इस रमज़ान तक हमको पहुंचा दे और इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे इसके अंदर हमें अल्लाह लैल का अहतमाम करने की तौफीक दे बार इलाहा रोज़ों का अहतमाम करने की तोफ़ी दे इलाहा फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करने की तोफ़ी दे इलाहा रमज़ान के तैयारी के तलुक़ से जितनी भी बातें कही गई हैं अल्लाह पहले मुझे उसके बाद हम तमाम लोगों को मिलकर उस पर अमल करने की तोफ़ी दे अबारहा जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख तोहैद पर ईमान पर इस्लाम पर कायम दायम रख खात्मा हो तो ईमान बिलखैर के साथ हो आमीन अकूल्कफरल वालकुम वसलि फस्तकफ़िर वालफ़ुररिम ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक खैरन